और यहाँ को बताएं कि फैसलाबाद में दोहरे कत्ल का वाकया पेश आया है, जहां मुलजिम ने अपनी भांजी और भाभी को गला दबाकर कत्ल कर दिया है। मुलजिम के भागने की कोशिश पर अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी की जा रही हैं, जबकि मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद शाह से। आबिद शाह, बताएगा ये जो वाकया पेश आया है, इस हवाले से मजीद इब्तदाई तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मंसूराबाद के इलाके में ये अंदरनाक वाकया पेश आया है, जहाँ पे एक शख्स ने अपनी भांजी और भाभी को गला दबोच कर कत्ल कर दिया है। और जब वो मुलजिम फरार होने लगा तो अहले मोहल्ला ने उसको दबोच लिया, और इसके बारे में जो पुलिस को इत्तला गई, तो पुलिस के पहुंचने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मजीद अभी तहकीकात होना बाकी है कि इस मुहर्रक क्या था इस कत्ल का और क्यों कत्ल किया मुलजिम ने। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे थे आबिद शाह, बहुत शुक्रिया आपका।